नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है पीसीसी वॉर रूम में बैठक। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रत्याशियों से फीडबैक लिया गया है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी साथ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर सभी प्रत्याशियों से चर्चा की है मुख्यमंत्री ने। इसके साथ साथ डिजाइन बॉक्स के सीईओ नरेश अरोड़ा भी वॉर रूम में मौजूद रहे। एग्जिट पोल के बाद लगातार मुख्यमंत्री सक्रिय है। एक के बाद एक बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में वॉर रूम में मुख्यमंत्री ने प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी वॉर रूम में बैठक ली है। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। महत्वपूर्ण जो दिग्गज है कांग्रेस के, वो जयपुर आ चुके हैं। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा भी साथ में इस दौरान रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। योगेश जी, आज की रात बेहद अहम है क्योंकि रिजल्ट से पहले सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन बात अगर एग्जिट पोल के बाद की बैठकों की जाए तो मुख्यमंत्री बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। हमने देखा इससे पहले तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया पर, कितने प्रत्याशियों के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई थी और साथ ही साथ चर्चा भी की, लेकिन ये जो बैठक हुई है पीसीसी वॉर रूम में, क्या इसमें रहा है? देखिए दीपिका, आपने बात कही आज की रात, की रात वो रात है अब लाख शीशों के बाद भी जी तो नींद नहीं आई। आज की वो रात है जिस रात जा सकता है कि इंतजार और ज्यादा होगा, और कब सुबह होगी यही सोचने में पूरी रात बीत जाएगी। रात करेक्ट निर्णायक रात है। रात जो है कल की सुबह क्या करवट लेगी राजनीतिक भविष्य राजस्थान का, वो रात बीत जाएगी। ईवीएम जब खुलेंगी तब उस मतगणना के नतीजे क्या होंगे, पूरा देश और पूरा प्रदेश सबकी निगाहें उस पर टिकी होंगी। न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन राज्यों पर भी सब निगाहें होंगी। हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रिजल्ट रहेंगे। अभी वॉर रूम में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है दीपिका। अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, सैंतील, तमाम वॉर रूम के सदस्य जिनमें प्रमुख नेता थे, पुखराज पाराशर थे, लिखवाल थे, स्वर्ण गुर्जर, तमाम प्रमुख लीडर्स ने एक तरह से विस्तृत फीडबैक दिया है। और उस फीडबैक में मोटे तौर पर जो कांग्रेस की संतोष का आलम कह सकते हो कांग्रेस के नेताओं के लिए, वो ये रहा कि ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस पार्टी बैक में पोजीशन करती हुई नजर आ रही है। यूं कहें कि बहुमत तक भी पहुंचने की बात है। हमने आज ये कितनी बात में सच्चाई होगी वो तो चीजें बताएंगे, लेकिन जो उस विधानसभा क्षेत्रों का जो फीडबैक सीएम गहलोत ने लिया है जी, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, उसके जरिए जो अनुमान इस तरह का लगाया गया है कि मैजिक फिगर तक कांग्रेस राजस्थान में सकती है। हालांकि बीजेपी की दलीलें अलग हो सकती है जी, बीजेपी 135 के ऊपर की बात कर रही है, तो कांग्रेस की है दलील की अंडरकरंट राजस्थान में जनता में है। कांग्रेस की सरकार के कामों को लेकर, गहलोत सरकार के कामों को लेकर उसका असर होगा। बहरहाल फीडबैक बैठक का ये दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत अभी वॉर रूम में ही मौजूद है जी, और औपचारिक चर्चाएं कही है। साथ कल जब पोलिंग एजेंट्स होंगे, जो भी काउंटिंग एजेंट्स होंगे, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों के में जो वहां पर बैठेंगे, उसको तो लेकर भी दिशा निर्देश थे खास पर वो जारी किए गए हैं, जिससे वो अलर्ट मोड में वहां पर मौजूद रहे। खासतौर से उन सीटों पर जहां बहुत कम अंतर से हार जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, तकरीबन 45 से 40 सीट है, हाँ जी का अनुमान बहुत कम हो सकता है। ऐसे में वहां पर जो काउंटिंग एजेंट रहने वाले हैं उनको बहुत एहतियात बरतने को कहा है, सतर्कता बरतने को कहा है, किसी भी तरह की चूक और लापरवाही को लेकर उनको सख्त जायज दी गई कि अब बिल्कुल ध्यान रखिए कोई भी लापरवाही ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट कीमती होगा। ऐसे में जहाँ ट्रायंगुलर बहुकोणीय मुकाबले
विशेष तौर पर निर्देश राजस्थान की कांग्रेस कमेटी ने हम जगह के डिग्रेजेंट्स को वहाँ के उम्मीदवार है उनको दिए हैं, तो बहुत ही निपुण और योग्य हम डिग्रेजेंट्स को पर लगे। हालांकि सब जगह पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, राजस्थान की कांग्रेस का फीडबैक हो गया है। जी योगेश जी, एक एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। आप बता रहे हैं पीसीसी वॉर रूम में मुख्यमंत्री अभी मौजूद हैं, ये भी बताइए क्या अलग अलग प्लान बनाए जा रहे हैं, प्लान वन, प्लान टू, प्लान थ्री, इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा है कि पार्टियां ऐसा करती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। दीपिका वो प्लान जो बन रहा है, मैं योगेश जी बस आपको थोड़ी